सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो हमें क्या क्या करना है? आज से 50 साल पहले डॉक्टर्स नहीं थे, एलोपैथी नहीं था, तो क्या बच्चे नहीं पलते थे? बच्चे बड़े नहीं होते थे? दवाइयों की ज़रूरत उन्हीं लोगों को पड़ती है जो लोग केयरलेस हैं। सबसे पहले बच्चे को गर्म रखना जरूरी होता है। बच्चों को अक्सर मैं देखता हूँ कि वो लोग फोल्ड करके ले आते हैं, ये कपड़ा है, इस पर बच्चा रखा हुआ है। बच्चे को मदर कैसे फोल्ड करते हैं कपड़े में, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे फोल्ड कर देते हैं। कपड़ा फोल्ड करना है, फिर साइड से फोल्ड करना है और फिर साइड से फोल्ड करना है। ये बच्चा हमारा पैक हो गया, अब उसको ठंड नहीं लगेगी। फिर दूध नहीं पीना बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है, बच्चा आपका ठीक नहीं है। अगर उसको तुरंत किसी डॉक्टर से दिखाइए। और बच्चा अगर गर्म हो रहा है, सारा कपड़ा निकालिए, शरीर पोछिए, जो स्पंजिंग बोल उसको पोछिए, पंखा चलाइए, बच्चे को ठंडा लगने दीजिए, वो कांपेगा। कांपना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया TV20 एक्सप्रेस और मैं अभी मौजूद हूँ गोपालगंज जाने माने डॉक्टर पीयूष कुमार। हम इनसे जानकारी लेंगे क्योंकि रविवार है, हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाया जा रहा है तो बच्चा जन्म ले रहा है, दो ही तीन दिन में उसके दर्द या वायरल फीवर तरह तरह का बीमारी हो जाता है। क्यों होता है और मान लीजिए होता भी है तो घरेलू उपचार उसका क्या होगा? क्योंकि जिनके जिनके घर से नज़दीक शहर है या क्लिनिक हो तो दिखा लेते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि बुखार हो गया तो लोग क्या करते हैं, कपड़े से बांध कर और उसके बाद से इलाज कराते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए हम पहुँचे हैं डॉक्टर पीयूष कुमार के पास, इनसे हम जानकारी लेंगे क्या घरेलू उपचार उसके लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है मेरे TV20। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ऐसा बता सकूं जिनसे उन्हें बहुत सारी परेशानियों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जब बच्चा जन्म लेता है दो दिन के बाद पूरे शरीर में दर्द, मान लीजिए वो बच्चा दो दिन के तो कोई तेल वाला चीज़ खाएगा नहीं, बाजार का चीज़ खाएगा नहीं, तो फिर पेट में गैस क्यों बनाता है? देखिए, बहुत सारे मिथ हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है और इन मिथ को हम लोग ऐसे समझेंगे कि हम लोग एक प्रॉपर चैनल वे में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है? अगर हम बच्चों को ठीक तरह से पालते हैं, ठीक तरह से उनका रख रखाव करते हैं तो बहुत सारी समस्याएँ होती ही नहीं हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। आज से 50 साल पहले डॉक्टर्स नहीं थे, एलोपैथी नहीं था, तो क्या बच्चे नहीं पलते थे? बच्चे बड़े नहीं होते थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाते थे, कुछ नहीं होता था, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज भी वही चीज़ें होती हैं, दवाइयों की ज़रूरत उन्हीं लोगों को पड़ती हैं जो लोग केयरलेस हैं। मैं बिल्कुल ये वर्ड यूज करूँगा, केयरलेस है, और इसमें मदर और उनके घर वालों का बहुत बड़ा दोष है। और ये दोष आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं सिंपली सारी चीज़ें एक एक करके बताता जाऊंगा, आप लोग कृपया इस पर ध्यान दें। सबसे पहले बच्चे को गर्म रखना जरूरी होता है। बच्चों को अक्सर मैं देखता हूँ कि वो लोग फोल्ड करके ले आते हैं, जैसे एक ये कपड़ा है, इस पर बच्चा रखा हुआ है। बच्चे को मदर कैसे फोल्ड करते हैं कपड़े में, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसे फोल्ड नहीं करना है, हमें नीचे से ऐसे कपड़ा फोल्ड करना है, फिर साइड से फोल्ड करना है और फिर साइड से फोल्ड करना है। ये बच्चा हमारा पैक हो गया, अब उसको ठंड नहीं लगेगी, ये बच्चा हमारा गर्म रहेगा। अब इसके बावजूद क्या है कि गर्म और ठंडा हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं? गर्म और ठंडे के लिए सबसे ज़रूरी है पैर छुइए बच्चे का। बच्चे का जब आप पैर टच करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो ठंडा महसूस हुआ, मतलब हमारा बच्चा अब ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है तो उसको कपड़ा और मोटा कर दीजिए। अगर बच्चा गर्म है तो ठीक है कपड़ा, अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो हो सकता है उसको बुखार आ रहा हो। और एक कॉमन मिथ गांव में मैंने देखी है, जिसमें बहुत सारे बच्चे झटके या फिर आप चमकी बुखार कहिए या फिर जो सीजर डिसऑर्डर होते हैं वैसा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्यों होता है? बच्चा हमारा गर्म हो रहा है, पूरा तेज बुखार है और भी मोटा कपड़ा डाल दिया है, पूरा डाल दिया है, ये गलत चीज़ है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कि देखिए, आप थर्मामीटर तो नहीं समझते हैं, मैं मानता हूँ कि आप थर्मामीटर से बुखार नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं, आप देखिए कि बच्चा दूध नहीं पी रहा। दूध नहीं पीना बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है, बच्चा आपका ठीक नहीं है। अगर बच्चे ने दो चार घंटे में एक बार भी दूध नहीं पिया है, मतलब बच्चा ठीक नहीं है, उसको तुरंत किसी डॉक्टर से दिखाइए। और बच्चा अगर गर्म हो रहा है, सारा कपड़ा निकालिए, शरीर पोछिए, जो स्पंजिंग बोलते हैं, कपड़ा भिंगा के शरीर पोछना, उसको पोछिए, पंखा चलाइए, बच्चे को ठंडा लगने दीजिए, वो कांपेगा। कांपना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है,
आप इस चीज़ को समझें, इस मिथ को तोड़े आप लोग, इस जो गलत आपके दिमाग में बैठा हुआ है धारणा उसको दूर करें आप कि बच्चे का कांप रहा है तो खराब चीज़ नहीं, कांपना अच्छी चीज़ है, उसका बुखार कम हो रहा है ये अच्छी चीज़ है। आप तुरंत किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए या घर में अगर पारासीटामोल क्रोसिन पड़ी है, आप किसी डॉक्टर से पहले भी मिले हुए हैं तो वो डोज थोड़ा सा डोज बढ़ा के दे दीजिए। आपने पूछा दर्द के बारे में, ये भी मैं बताता हूँ, फीडिंग से रिलेटेड है। सबसे जरूरी है फीडिंग, पहला चीज़ बच्चे को गर्म रखना, दूसरा चीज़ है माँ का दूध पिलाना। मैंने अभी एक बात बोली आपसे कि बच्चा दूध पीता है तो उसको सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा हमारा ठीक है, मतलब आपको कोई भी अगर डरने की बात नहीं, अगर बच्चा मेरा दूध पी रहा है तो उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे उसके जान पे खतरा है, तो इस चीज़ को आप डर अपने अंदर से निकाल दीजिए। अब इसमें क्या करना है हमें, बच्चे को दूध पिलाने का सही तरीका, सिंपल सा तरीका है, माँ बच्चे को ऐसे लेती है और दूध पिलाती है, ये तरीका सही है। लेकिन अगर आप लेट जगह सो गए हैं बेड पे और लेट के दूध पिला रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप लेट के दूध पिलाते हैं तो हमारे सीने से बच्चे का जो माउथ है वो बार बार छूटेगा, पकड़ेगा, हवा जाएगी पेट में, हवा जाएगी पेट में, गैस बनेगा। बच्चा जब भी लैटरिंग करेगा आवाज़ के साथ, बुरबुराहट के साथ, बुड़ से करके लैटरिंग करेगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे के पेट में गैस जा रहा है, गैस जा रहा है उसको पेट में दर्द महसूस होगा ही। और एक और कारण है पेट में दर्द का, जो माताएं बच्चे को डब्बे का दूध पिलाती हैं, अगर वो डब्बे के दूध को मोटा कर देती हैं, हम लोग कॉमनली बताते हैं 6 चम्मच या बच्चे के टॉलरेंस के हिसाब से अगर वो 8 चम्मच 6 चम्मच पानी, उसमें जो दूध का डब्बा होता है उसमें एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन 10 ml का होता है, अगर उस ढक्कन से आप डालते हैं 40 ml पानी और 5 ml दूध तो वो सही मात्रा है। बच्चे का और माँ का दूध आप मिला के देखिए, माँ का दूध भी अगर आप हाथ पे लेके देखेंगे पूरा पतला दिखेगा, अगर आप डब्बे का भी दूध बनाते हैं तो ऐसा ही बनाइए जो पूरा पतला हो, अगर वो दूध मोटा हो गया है पूरे रात बच्चा पेट तान के हाथ उठा के ऐसे ऐसे रोएगा, पूरा चिल्लाएगा, ये सीधा सा कारण है दूध आपने मोटा कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ से पेट में दर्द होता है। एक और कारण है कान में दूध जाना, जो बताए जो माताएं अक्सर लेट के दूध पिलाती हैं उनके बच्चों को कान में दूध जाता ही जाता है, और लेट के दूध पिलाने वाले बच्चों को खांसी सर्दी भी बार बार होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बार बार दूध सरकता है और सांस के नली में जाता है, सांस के नली में जाएगा तो वो दिक्कत करेगा, इस पर आप ध्यान दीजिए। और दूध पिलाने के बाद से सबसे जरूरी है कंधे पर रख के थपकी देना, ऐसे 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 हम लोग प्यार से थपकी दे सकते हैं। मैंने पहले भी एक बार रेडियो रिमझिम पर इस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग अमिताभ बच्चन की मूवी देखिए और माताओं को दिखाइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोरी गाना नहीं सीखेंगे, गाना गाना नहीं सीखेंगे, आप उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप 2 मिनट में बस खाना पूर्ति करके छोड़ देंगे। उसके लिए हमें 2-3 दवाइयाँ लिखनी पड़ती हैं, कोविड गलकल पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं जो देनी पड़ती हैं, इनके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कृपया आप ऐसा ना करें। एक सवाल ये है कि अगर आपके पास कोई मरीज आता है तो मरीजों का कहना है कि हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो बहुत लोग जांच लिख देते हैं। जी देखिए मेरे पास एक केस आया था, मैं उसी के हिसाब से डिस्कस करता हूँ, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए। आप किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाइए, मैं तो एम्स में भी रहा हूँ, सफदरजंग से भी काम किया है मैंने, मैं दोनों का ही डिस्कशन बता रहा हूँ। आप वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपसे पूछता है क्या दिक्कत है, उसके बाद वो जांच लिखता है, उसके बाद बोलता है ये दवा आप देना शुरू कीजिए और जाँच करा के फिर आइएगा, फिर बाकी दवाइयाँ लिखूंगा। जो आपका प्राइमरी प्रॉब्लम है उसका दवा दे के वो जाँच लिख देता है। वहाँ के डॉक्टर अगर बेवकूफ़ नहीं है तो यहाँ के डॉक्टर अगर टेस्ट लिखते हैं तो वो भी बेवकूफ़ नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ, ग्रामीण तबके एक आदमी है, पैसे की दिक्कत है, 4 लोगों से पैसे लेके आता है तब अपने बच्चे का इलाज हमसे कराता है, मैं इस बात को जानता हूँ, भली भांति समझता हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ, मैं भी यहीं इसी मिट्टी का पैदा हूँ, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम्स ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, डॉक्टर कोई भगवान तो है नहीं के अंदर घुस गया है, सारी चीज़ें पता कर ली हैं। मैं एक केस आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास एक बच्चा आया था, उसका खून बहुत कम था, 6 point something खून था उसके में हीमोग्लोबिन। अब उस बच्चे को किसी ने बोला होगा, डॉक्टर नहीं होगा कोई, किसी भी थर्ड पर्सन ने बोला होगा खून चढ़ा दीजिए बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ और बताना जरूरी भी है, ग्रामीण तबके के मैक्सिमम बच्चों में खून की कमी होती है, खून की कमी होने पर खून चढ़ाना बहुत गलत बात है, अगर आप चढ़ा देंगे तो हो सकता है वो बच्चा मर भी जाए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसको हो सकता है थैलेसेमिया हो, उसको हो सकता है कुछ अनुवांशिक बीमारियां हो, उन सब केसेस में खून चढ़ाना आयरन ओवरलोड होता है और वो कार्डियोटॉक्सिटी करता है, उससे बच्चा मर भी सकता है। खून चढ़ाने के पहले हमें जांच करना होता है कहीं वो बीमारी तो ना है, अगर वो बीमारी है तो आयरन सिरप भी देना रिस्की होगा। अब ये चीज़ मुझे बताइए, पेरिफेरल स्मियर बिना कराए या फिर जो उसके जोरिया टेस्ट है, खून की जांचें हैं, वो बिना कराए डॉक्टर कैसे समझेगा इन सब चीज़ों को, कैसे समझेगा कि इस बच्चे को क्या बीमारी है।
अब वो टेस्ट महंगा है तो टेस्ट महंगा तो डॉक्टर तो कम नहीं कर सकता है। डॉक्टर के हाथ में चीज़ें नहीं हैं, हमारे हाथ में है दवाइयाँ दे देना, इलाज कर देना, सही रोग का जांच करवाना। डॉक्टर का पहला काम जानते हैं क्या होता है? एक दुकानदार और एक डॉक्टर बनता है। आप तो दवाइयाँ दुकानदार से भी ले सकते हैं, जाए हमें बुखार है, हमें सर्दी है, दुकानदार दवाई दे ही देता है। डॉक्टर के पास आप किस लिए आते हैं? दवाई के लिए नहीं आते हैं आप डॉक्टर के पास, बस एक चीज़ के लिए आते हैं, वो सिंपल सी चीज़ है, रोग पकड़ना कि दिक्कत क्या हो रही है। इस चीज़ को आप समझिए, जैसे सिंपल सी बात मैंने आपको पहले भी समझाई, जो बच्चों को बार बार खांसी सर्दी हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न, बहुत सारे कारण हैं इसके, हो सकता है उसको दिल का भी बीमारी हो, कुछ दिल की बीमारियां होती हैं जिसमें बार बार सर्दी खांसी होता है, कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं एलर्जी टाइप की जिसमें बार बार सर्दी खांसी होता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन एक कारण ये भी है कि जो बच्चे माँ को, जो माताएं बच्चे को लेटा के दूध पिलाती हैं उनके बच्चों को भी बार बार दूध सरकने की वजह से खांसी सर्दी होता है, बलगम की प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे घूर घूर करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी इसलिए होती हैं कि माताएं ख्याल नहीं रखती हैं। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ों में डॉक्टर भी टेस्ट पर निर्भर होते हैं और आपका भी एटीट्यूड अपने बच्चे को लेकर बहुत जरूरी होता है। ये सारी चीज़ें ही मिलकर आपको और हमको इस लायक बनाती हैं कि हम लोग सही चीज़ पर पहुँच सकें। डॉक्टर का काम दवा देना नहीं है, इसी गलतफहमी को आप लोग दूर कर लीजिए। डॉक्टर का पहला काम है बीमारी पकड़ना। डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि चमकी बुखार क्यों होता है? देखिए चमकी बुखार के तो, जो चमकी बुखार आप बात कर रहे हो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस तो खैर रोग के वजह से होता है, विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनके वजह से होता है। इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में चमकी बुखार आप बोलते हैं, वो चमकी बुखार बहुत अलग अलग ग्रुप में अलग अलग है। देखिए कुछ बच्चे सुअर का मांस खाते हैं, इनकुक्ड, जो प्रॉपर तरीके से नहीं पकाया हुआ है, उसको NCC बोलते हैं हम लोग, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ब्रेन में कीड़े हो जाते हैं। तो आप लोग कभी भी चिकन मटन जो भी है, या अगर आप स्पेशली सुअर का मांस खा रहे हैं तो पूरा पकाए, कुकर में पकाए, तभी बच्चों को दे, ऐसे ना दें। ये बीमारी सबसे बड़ी है जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा जो चमकी बुखार की आप बात कर रहे हैं, जो मेनिंजाइटिस है वो छोड़ दीजिए आप, उसमें नेक्रिडिटी होता है, उसका एक अलग इलाज होता है, वो डॉक्टर समझेगा। आपके ग्रामीण क्षेत्र के समझने के लिए मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, कभी भी तेज बुखार आए, आपको लग रहा है पूरा शरीर जल रहा है, बहुत गर्म है, सबसे पहला काम, पहले भी समझाया था मैंने, सबसे पहला काम बच्चे का सारा कपड़ा निकाल दीजिए, बच्चे को अगर नहलाना पॉसिबल है नहला दीजिए, नहीं तो पूरा शरीर भिंगा दीजिए, भिंगा के शरीर पोछना नहीं है, फैन चला देना है, पानी से शरीर भिंगा रहना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको उल्टा कर दीजिए, पीछे से नहलाइए, ऊपर से नहलाने पर हो सकता है उसके नाक में, उसके मुँह में पानी चला जाए, वो तो और खराब हो जाएगा उसके लिए, उसके जान पे खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब देहात में तो लोग बोलते हैं कि अगर बुखार लग गया बच्चों को तो उसको कंबल से जो भी है उसे पूरा ढक दो। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है, इस पर जान का खतरा हो सकता है। अगर 103 बुखार है तो और बुखार बढ़ जाएगा क्योंकि आपने और कपड़ा से ढक दिया है। ऐसे कितने बच्चे मरते हुए देखे हैं मैंने जो ऐसी गलतियां करते हैं। सबसे पहले आप नहलाइए, नहला के पंखा फैन जो भी है, कूलर एसी जो भी है चला दीजिए, बच्चे को ठंडा होने दीजिए। डॉक्टर भी वही काम करता है, आप हमारे पास आएंगे हम यही काम करेंगे और आपके बच्चे को बचा के दिखाएंगे, इसलिए आप भी यही काम कीजिए। ये जो आपके अंदर गलत धारणा जिन लोगों ने बैठाई उसको दूर कीजिए, ये आप गलत काम बंद कीजिए बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जरूरी, उसके बावजूद भी अगर बच्चा आंख ऊपर कर देता है, हाथ पैर टाइट कर लेता है, हाथ पैर मोड़ देता है और उसको चमकी बुखार के सिम्टम आने लगते हैं, मुंह टेढ़ा कर लेता है, झाग निकलने लगता है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, या तो बच्चे छोटा है तो उसको कंधे पर रख लीजिए, ठीक है, या फिर आप अगर उल्टा लेटा सकते हैं तो उसको उल्टा लेटा दीजिए, पेट की तरफ से, पीठ की तरफ से बच्चा ऐसे लेटता है उसको पेट की तरफ से कर दीजिए, या फिर लेफ्ट साइड, हम लोग बोलते हैं लेफ्ट प्रोन पोजीशन, यानी कि मुंह से जो भी झाग बन रहा है वो बाहर निकल जाए, मुंह खोल देना है, झाग निकलना बहुत जरूरी है, लेफ्ट साइड करना बहुत जरूरी है। इसी झाग की वजह से उसके जान पर खतरा होता है, इसी झाग की वजह से उसके जान का खतरा होता है। बच्चे को पूरा दिन सीजर आए, हाथ पैर कांपे, पूरा हाथ टाइट करे, उससे कोई जान पे खतरा नहीं है। आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर इलाज कर लेगा, लेकिन अगर आप उल्टा लेटा देते हैं या कंधे पर रख लेते हैं बच्चे को और जो भी उसके मुंह में सिक्रीशंस बन रहे हैं, पानी बन रहा है, उसको निकलने देते हैं तो बच्चे के जान पे कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब सवाल है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत देहात में देखेंगे दरवाजे के पास में आग जला दिया जाता है जिससे उस घर में धुआं काफ़ी मात्रा में पहुँच जाता है, क्या उसे कितना नुकसान होता है ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही गलत धारणा है, ऐसा आप लोग कृपया ना करें, बहुत गलत बात है और इससे सांस की दिक्कत हो सकती है। बच्चे का और आपका और हमारा सांस का रेट बहुत अलग होता है, बच्चा हमसे दुगुना तिगुना तेज़ी से सांस लेता है, आपको जितना दिक्कत लगता है उससे तीन गुना ज़्यादा दिक्कत बच्चे को हो सकती है, उसको सांस भी घुट सकता है, ऐसा कृपया आप लोग ना करें। सर ये बताइए डॉक्टर सर, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसका दो दिन बाद या दो तीन दिन बाद उसका जॉन्डिस क्यों हो जाता है? देखिए जॉन्डिस होना
नॉर्मल बात है, आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत घबरा जाते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन कुछ केसेस में बहुत रिस्की भी होता है। इन चीज़ों को आप समझें, बच्चे का लीवर पूरा बना हुआ नहीं होता है, छोटा बच्चा है इसलिए बिलीरुबिन बढ़ता है, ये तो नॉर्मल है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप देखिए, एक और बहुत बड़ी चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में लेडीज़ सारा टेस्ट कराती हैं, अपने माँ का ब्लड ग्रुप नहीं कराती हैं। ब्लड ग्रुप एक 50 रुपये का मामूली सा जाँच है, आप जरूर इस चीज़ को कराएं, क्योंकि डॉक्टर भी जांच पर निर्भर है इस चीज़ को लेकर। अगर माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, तो बहुत रिस्की है। ए है, बी है, ओ है, ए बी है, कोई भी ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत ही रिस्की होता है। इन चीज़ों को समझिए, इसमें जाँच लिखना ही पड़ता है डॉक्टर को। जब तक आप जाँच नहीं कराएंगे डॉक्टर उस सीरियसनेस को समझ नहीं पाएगा। कई केसेस में मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्र की लेडीज है, उसका निगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसका बच्चा दूसरा तीसरा चौथा सब खराब होता गया, फिर भी वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगी दिक्कत क्या हो रहा है। दिक्कत ये होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिलने से ब्लड टूटते हैं और बच्चे के जान पे खतरा होता है। तो कृपया ये 50 रुपये का जांच जरूर कराएं। जब आप सारे जांच करा ही रहे हैं माता का, तो जरूर ये जांच कराएं कि बच्चे के माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, इससे बहुत सारी चीज़ डिसाइड होती है। इसके अलावा 90% बच्चे ठीक होते हैं, उनका नॉर्मल अगर ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप को खासकर पीलिया ज़्यादा होता है पॉजिटिव है, तो निगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए रिस्की है। तो इन सब चीज़ों में डॉक्टर से जरूर परामर्श लें और इसको सिंपल समझें। 3 दिन में फिजियोलॉजिकल होता है, उसके बाद से ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अगर 3 दिन के बाद से पीलिया बढ़ता है तो अच्छी चीज़ नहीं है, जरूर डॉक्टर से दिखाएं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, जो माताएं बच्चे को दूध पिलाती हैं उसके बाद एक चीज़ नोट करती हैं कि उनका बच्चा अगर पसीना पसीना हो रहा है या बच्चा उनका नीला पड़ रहा है, उनका होंठ, उसका हाथ या पैर की जो उंगलियां हैं, जो उसके ये नेल बेड्स हैं, नेल समझते हैं ना आप लोग, नो, ये जो वाइट पार्ट है ये अगर उनका नीला पड़ जाता है, ऐसे माताएं डॉक्टर को जाके जरूर बताएं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसे दिक्कत होती है। उनको हार्ट की, दिल की बीमारियां होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है वो साइनेटिक हो सकता है एसाइनेटिक हो। एसाइनेटिक होगा तो बच्चा अक्सर दूध पीते पीते रुक जाएगा, सांस लेगा, पसीने पसीने हो जाएगा, जब नॉर्मल हो जाएगा फिर से दूध पीना शुरू करेगा, ये है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज में बच्चा पूरा नीला पड़ जाता है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो थक जाएगा तुरंत। ऐसे बच्चों और जो पहला बच्चा मैंने बताया, दोनों बच्चे अच्छे नहीं हैं, इनको तुरंत डॉक्टर से दिखाइए। हो सकता है उसका दिल का जांच करवाया जाए, 2D को वगैरह करवाया जाए और देखा जाए उसको दिल की प्रॉब्लम है या नहीं। ये कॉमन मिथ है जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, इससे आपका बच्चा बच सकता है, इसका इलाज हो सकता है। राम मनोहर लोहिया में भी आपका फ्री इलाज होता है ऐसे बच्चों का। इसके अलावा श्री संत साई का एक हॉस्पिटल अस्पताल है साउथ इंडिया में, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आने जाने का खर्चा, आपके बच्चे का ऑपरेशन का खर्चा और यहाँ तक कि आपके रहने और खाने का भी इंतजाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन चीज़ों को आप समझिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो इन चीज़ों के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। इसी तरह मेरे चैनल बन रहे और फिर अगली रविवार को हम डॉक्टर से मिलेंगे कुछ नए के साथ। डॉक्टर साहब अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं लाल कोठी अंबेडकर चौक अंबेडकर भवन के ठीक सामने बैठता हूँ। ये लाल कोठी बिल्डिंग है जहाँ पे आके आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो भी बंधु गरीब हैं, जो मेरा चार्ज नहीं बियर कर सकते हैं, ऐसे तो मैं बहुत कम चार्ज लेता हूँ, मैं 400 रुपये फीस रखा है मैंने, फिर भी अगर आप फ्री दिखाना चाहते हैं तो मैं सप्ताह में 2 दिन थावे माता मंदिर में बैठता हूँ, जहाँ पे मेरी टाइमिंग है 4 से 6 के बीच। 4 से 6 के बीच में एक बार कितना भी बिजी रहूँ मैं जाता जरूर हूँ, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। सोमवार को तो जाना फिक्स है, बृहस्पत और शुक्रवार में किसी एक दिन जरूर जाता हूँ। तो आप अगर इतने आपको अगर दिक्कत है पैसे की, आप अगर मेरा फी बियर नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे भी आके मुझसे परामर्श ले सकते हैं, पूरा मुफ्त इलाज होता है। जो भी दवाइयाँ मेरे पास अवेलेबल होती हैं वो मैं वहाँ पे देता हूँ। थावे माता मंदिर के ठीक सामने आप वहाँ पे जाके किसी से भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर पीयूष कुमार कहाँ बैठते हैं वो बता देंगे, ठीक माता मंदिर के सामने प्रांगण में। अब कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए, जो कि जाने में लोग परेशान होते हैं, नंबर माता साहब से मिल सकते हैं। 7323907908 7323907908। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो जिस तरह बच्चे को बीमारी से लोग बीमारी का शिकार बन रहे हैं, वो आप एक वीडियो शेयर कर देते हैं तो हो सकता है उस बच्चे को उस बच्चे वो बीमार से बच सकते हैं। धन्यवाद।